पिछले वीडियो में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए जो लिमिट अप्रोच था उस पर एक क्वेश्चन किया था. अब जो ये वाली वीडियो है तो इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस करेंगे. जिस तरह के हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के लिए जो रूल अप्लाई करते थे वही रूल्स इसमें भी फॉलो होंगे, वही सारे प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल वगैरह वो सब कुछ. द ओनली एक्सेप्शन इज दैट व्हेन ए पार्शियल डेरिवेटिव इज फाउंड विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल द अदर वेरिएबल इज अज्यूम्ड टू बी हेल्ड कॉन्स्टेंट. तो इसका ये मतलब इसमें होगा कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड से मालूम करेंगे तो जब एक वेरिएबल के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो फिर जो दूसरा वेरिएबल वाई होगा उसको हमने कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है. और अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे तो फिर उसमें हमें एक्स को जो है कांस्टेंट लेना होगा. लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा भी है. हमने यहाँ पर ये तो कह दिया है कि जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो वाई कांस्टेंट होगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा. लेकिन जो वेरिएबल हम कांस्टेंट रखेंगे तो उसको ट्रीट भी हम बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ही करेंगे. जिस तरह के हम डेरिवेटिव्स लेते वक्त कांस्टेंट को ट्रीट करते हैं उसी तरह उस वेरिएबल को ट्रीट किया जाएगा. अगर वो अकेला हो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा जिस तरह के कांस्टेंट का होता है, और अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो दूसरे वेरिएबल के साथ तो फिर वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से होगा. अब इस पर क्वेश्चन करते ताकि आपको ये बात थोड़ी सी समझ आ जाए, थोड़ी सी क्लियर हो जाए. तो क्वेश्चन नंबर वन इस वीडियो में कर रहे हैं, फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फोर एक्स वाई. एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फोर एक्स वाई हमने फंक्शन लिया है और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम करेंगे. तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं. तो एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू फोर एक्स वाई. और फिर नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब केस में वाई क्या होगा, वो कांस्टेंट ट्रीट होगा. तो इसी वजह से फोर और वाई दोनों कांस्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर हो जाएंगे और हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव मालूम करना होगा. तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की तरह हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास वन होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने मालूम किया फोर एक्स वाई का, वो हमारे पास फोर वाई आ रहा है, ठीक है. तो सेम इसी तरीके से हम विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे और देखेंगे कि वो क्या आता है. तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने के लिए हमारे पास ये बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल वाई फोर एक्स वाई. अब की बार चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स वेरिएबल होगा अब वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है. अब हम उसको कांस्टेंट लेकर चलेंगे. तो इस फोर एक्स वाई में फिर चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से फोर और एक्स दोनों कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर कर लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई हम सिर्फ वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे. जब और हमें पता है कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन आएगा, तो इसी वजह से हमारे पास इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है वो बराबर आ जाएगा 4x के, ठीक है. तो इसके दोनों डेरिवेटिव्स हमने मालूम कर लिए, जब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे तो y को कांस्टेंट रखा और जब विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे थे तो x को कांस्टेंट रखा है. तो अगली वीडियोस में इस पर जो मजीद क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे तो उसमें भी हम यही करेंगे कि जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें y को कांस्टेंट रखा जाएगा और जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x कांस्टेंट रखा जाएगा. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में. इस पर कुछ और क्वेश्चंस करने हैं हमने ताकि आपको अच्छी तरह से इस पर समझ आ जाए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.